600 रुपया। ये लीजिए, चलो मैं चलूं। अरे क्या चलूं, अब बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं बाबा, मुझे देर हो जाएगी, वो नौकर स्टेट वाले रमेश भाई है ना, उनके यहाँ मुझे जाना है। स्टेट एजेंट क्या, क्यों? वो चंदा रमारी भाई का खाली फ्लैट है ना, सोड़ी भाई के बाजू में। ओ, सिंगापुर वाला सिंधी। हाँ, उनको फोन आया था आज, इनको उनको फ्लैट बेचना है और हमको ही कहा है फ्लैट बेचने के लिए। उसका फ्लैट बेचना है? हाँ। कितने में? 55 लाख। माधवी बाबू एक मिनट है, बाबू जी एक मिनट, जरा आइए। हाँ। मुझे ये फ्लैट हम लोग ले लेता, और एक फ्लैट इन्वेस्टमेंट, और वैसे भी प्रॉपर्टी का भाव तो बढ़ने ही वाला है, उसमें कोई नुकसान तो है ही नहीं, और अपनी सोसाइटी में फ्लैट मिल रहा है बापूजी, हमारी सोसाइटी जैसी सोसाइटी और कहाँ मिलेगी। देख ले, तुझे अगर ठीक लग रहा है तो। नहीं, अगर आप हाँ बोलो तो मैं अभी 51,000 दे के यह सौदा फाइनल कर दूं। ठीक है, थैंक यू बाबूजी। ये लीजिए बाबूजी, एक मिनट, 50 और ये 51, अपने हाथों से दे दीजिए। माधवी बाबू, वो फ्लैट हम खरीदना चाहते हैं। हाँ दे, बापू जी ने भी हाँ बोला तो वो फ्लैट हम लोग खरीद रहे। बापू जी वो दीजिए, ये 51,000 है तो भिड़े भाई को दे देना, और बाकी का जो भी लेबर देवर होगा वो चंदा रमानी भाई को पूछ ले, उसका जो भी होगा वो हिसाब से हम लोग दे देंगे बाकी का पेमेंट है। कोई बात नहीं, और आपका भी जो भी कमीशन का व्यवहार है वो भी हम दे देंगे। क्या जेठा भाई, क्या बोल रहे हो आप, कमाल है, आपसे थोड़ी तो कमीशन ले सकते हैं हम सब तो एक परिवार जैसे हैं, और चंदा रमानी भाई कमीशन देंगे ही ना हमको। तो ये तो हमारे साथ चीटिंग हुआ ना, आप उनसे कमीशन लेंगे, हमसे कमीशन नहीं लेंगे, वो तो गलत है ना। नहीं नहीं जेठा भाई, मैं मेरी बात सुनिए, अगर हमारी जगह और कोई फ्लैट लेता है तो उससे तो आप कमीशन लेते क्या? नहीं बरोबर है, तो फिर ये तो हमारे कारण आपका नुकसान हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं आपको कमीशन लेना पड़ेगा। हाँ। अरे जेठा भाई देखिए, हम लोग आपसे कमीशन नहीं ले सकते। चलो ठीक है, आप कमीशन मत लेना, फिर उसकी जगह पे मैं आपका बढ़िया से गिफ्ट दूंगा, वो तो आपको लेनी पड़ेगी। वो जेठा भाई आएगा? नहीं नहीं नहीं, अभी अभी आप ना मत बोलना, देखिए भाई दूज है, भाई को नाराज मत कीजिए। बाबू जी बोलिए ना कुछ। अरे माधवी बेटा, ना नहीं बोलते, जेठा सही कह रहा है। हाँ भिड़े बहन, प्लेज। ठीक है, मैं चलूं। थैंक यू माधवी बाबू। टुप्पू के पापा जरा अंदर आइए। टुप्पू के पापा, आपने मेरे वीरो को कहा कि मेरे पास अभी 50,000 भी नहीं है, तो ये 55 लाख का बंदोबस्त कहाँ से करोगे? दया, मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा, पैसे मेरे पास है, लेकिन अगर मैंने सुंदर को पैसे नहीं दिए तो सिर्फ तेरी वजह से। मेरी वजह से? समझाता हूँ, एक बार मैं सुंदर को पैसा दे देता, वो सामने इन्वेस्ट भी कर देता, लेकिन वो जहाँ पैसे इन्वेस्ट करने वाला था वो पार्टी अगर चिटर निकलती तो हमारे पैसे तो जाते ना, और उसकी वजह से तुम भाई बहन के रिश्ते में दरार पड़ जाती। पड़ जाते कि नहीं? हाँ। जीजा साले के रिश्ते में दरार पड़ जाती,
पर मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम भाई बहन के रिश्ते में पैसों की वजह से दरार पड़े। जीजा साले के रिश्ते में पैसों की वजह से दरार पड़े। मैं चाहता हूँ कि हमारा रिश्ता ऐसे जिंदगी भर बना रहे। अब तू ये बता, मैंने जो कुछ किया गलत किया? नहीं नहीं टप्पू के पापा, आपने जो किया है वो सही किया है। मेरा एक ही तो वीरा है और पैसों की वजह से मैं मेरे वीरा के साथ संबंध नहीं बिगड़ना चाहती। थैंक यू टप्पू के पापा, आपने एक भाई बहन के रिश्ते को टूटने से बचा लिया। थैंक यू।